पूछा, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? मैं सब समझ गया, वो कुंदन कोर्ट में क्यों नहीं आया। भाई साहब, दारू के पैसे खत्म हो गए होंगे या फिर उधार देने वालों ने, ठीक है, उसे पैसे चाहिए और कुछ नहीं। आखिर झुक गया है ना उसका से। औरत का धोखा नहीं है, मुझे तो डर है कि आज सुनवाई में नहीं आने के पीछे जरूर उसकी कोई खतरनाक साजिश है। सुनी भरी तूने, हाँ? पता भी है हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ आज? अरे स्कूल से घर भेज दिया उन्हें। तुझे तुझे इस शराब के आगे कुछ सूझे तब ना। हमेशा कहती थी ना शांति, देख आज मैंने तेरे बच्चों की खातिर उस गाड़ी वाले की पत्नी को नहीं जाने दी, फिर से बेसहारा हो जाते, कौन संभालता उन्हें। लेकिन मैंने उन्हें बेसहारा नहीं होने दिया। अब तो तू खुश है ना, बोल शांति। यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें तो इस वक्त स्कूल में होना चाहिए ना। प्लीज आप मत बताना पापा को, आप नहीं बताओगे ना अंकल, नहीं बताओगे ना पापा को? मैं नहीं बताऊंगा, बस रोना मत। बेटा देखो रो मत, आप आंटी को सब कुछ बता सकते हो, आंटी आपको नहीं डांटेगी। आंटी वो मैं स्कूल नहीं जाती, यहाँ से तो मैं स्कूल का नाम लेकर जाती हूँ पर कभी स्कूल के अंदर नहीं जाती, दिन बाहर बैठी रहती हूँ। क्यों बेटा स्कूल क्यों नहीं जाती हो, बताओ? मुझे स्कूल जाने से डर लगता। स्कूल जाने से क्यों? जाया करती थी तो रोज मेरी माँ मुझे लेने आती थी। आजी शुक्र मनो भगवान का, गुस्से में आकर लोगों ने इसे पीटा नहीं, इसे थाने ले आए। मैं आप लोगों को चेतावनी देने आया हूँ, अपने बच्चे को संभालो। आज इसकी और जेल के सलाखों के बीच इसकी उम्र का फासला आ गया है, लेकिन अगर इसी तरह से गलत रास्ते पर चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये जेल जाकर आप लोगों का नाम रोशन करेगा। दुनिया में किसी से डर लगता है तो वो कौन है? अपने बाप से, अपने बाप से।